चेयरमैन स्कैट आजाद कश्मीर पीटीआई। औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कायदे कश्मीर साबक वज़ीर आज़म सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर साबक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, मेरे भाई सीनियर नायब सदर चौधरी जफर अनवर साहब, मेरे भाई गुलाम रसूल अवामी साहब और स्टेज पे बैठे जिले प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहब चौधरी मतलूम साहब और तमाम लीडर हजरात जो स्टेज पे बैठे हैं और पिंडाल में बैठे हैं, मैं आपकी तरफ से जनाब फारूक जरगर साहब को और उनके साथियों को तहरीक इंसाफ में शामिल होने पे खुश आमदेद कहता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप यहाँ इज्जत पाएंगे, हम आपका मान रखेंगे, आपको कोई सुबकी नहीं होगी। इंशाल्लाह कल तहरीक इंसाफ का है, आने वाली गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की होगी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हमारे वजीर आजम होंगे। मैं ज्यादा देर कायदे तहरीक के और आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। वस्सलाम। साबक एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर, इंचार्ज इलेक्शन कंपेन डिवीजन मीरपुर। नहमद वनसली अला रसूल करीम, अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मैं सबसे पहले चौधरी फारूक जरगर साहब को पीटीआई में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्टेज पर हमारे कायदे कश्मीर साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इंशाल्लाह मुस्तकबिल के MLA चौधरी जफर अनवर साहब और स्टेज पर बैठी हुई तमाम शख्सियतें। जब टाइम बहुत थोड़ा है, मैं सलाम पेश करता हूँ कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को कि हमें 5 साल हुए, हमें लोग भूल गए, आपको 25 साल हो गए, आपके साथ लोग किस तरह प्यार करते हैं, ये सैर करता है ये मजमा आपका। मैं समझता हूँ यही जो है वो क्या क्यादत और लीडरशिप में यही खूबी होनी चाहिए कि उसके उनके साथ जो प्यार करते हैं उनको जो है वो याद रखा जाए। जो बंदे अपने साथियों को भूल जाते हैं उनका अंजाम फिर यही होता है जो हमारे साबिक दोस्तों का हुआ है। मैं समझता हूँ कि कायदे कश्मीर आप जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनका किरदार ये साबित करता है कि यह दूसरी बार फिर इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। आपके सामने ये हालात है कि इंशाल्लाह 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 अब जो है हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो है वो आज़ाद कश्मीर में बनने जा रही है और जिसका वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी होगा। बहुत शुक्रिया। आप में दावत खिताब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाई जी काबिल एहतराम कायदे जमहूरियत कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर, सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ जनाब जफर अनवर साहब और मेरे नाई जी काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए और पिंडार के लोगों, प्रेस और प्रिंट मीडिया के नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज मवाली के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस कनेल में अजीमुशान इज्तिमा करके ये साबित कर दिया है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जो है वो इस इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। मीरपुर के लोगों, आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मीरपुर के साथ इस फारूक हैदर ने छोटी सी मुजाहदा शुरू किया, इसका मुकाबला बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मीरपुर के लोगों, आज मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपके खिलाफ पूरी कुव्वतें जो हैं वो खराब है, इसलिए कि आपका लीडर कश्मीर की आज़ादी आज़ाद कश्मीर की तामीर तक की का हीरो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वो इस इलेक्शन में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इंशाअल्लाह ताला बनेगा। इमरान खान ने इमरान खान की क्यादत में ये तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर कामयाब होगी और आप जो वोट जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब नंबरदार इब्रार नियाज एडवोकेट साहब को, वो भी टाइम का ख्याल रखें, और चौधरी सजावल साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। चकसवारी वाले चौधरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम मेरे कायद मेरी लीडर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हीरो 1.5 करोड़ कश्मीरी तर्जमान फरजंदे कश्मीर सपूत वीर पर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब,
सीनियर नायब सदर पीटीआई आजाद कश्मीर जफर अनवर साहब, साबिक मशीर हुकूमत फारूक साहब, महमूद साहब, मुश्ताक साहब, शबान साहब, सदीक साहब, पंडाल में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, इमरान खान के कारकुनों, सबसे पहले मैं आपको इस गर्मी में और इतने 3-4 घंटों से आप कायदे कश्मीर का इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी जुर्रत को, आपकी गैरत को, आपकी सियासी और मिली बेदारी को सलाम पेश करता हूं। मैं बैरिस्टर साहब इजाजत चाहूंगा, 6-7 मिनट रह गए, मैं 1-1.5 मिनट में बात खत्म करूंगा। मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कनेर के लोगों, मुझे याद है 1985 के अंदर कायदे मिल्लत बाबा जमहूरियत चौधरी नूर सैन साहब, चौधरी अब्दुल मजीद साहब को चुनी कौंसिल के बाबा लालदीन नबरदार साहब के घर लेकर गए, यहाँ साथ ही उनका घर है, मेरे मरहूम दादा नबरदार इब्राहिम साहब के साथ लेकर गए, पूरी यूनी कौंसिल के एक एक घर के अंदर कायदे मिल्लत चौधरी नूर सैन साहब उनको लेकर गए थे, और उन्होंने उस चीज का वो बदला ना दिया। मैं समझता हूं कि जिसने भी बैरिस्टर सुल्तान के साथ बेफाई की, जिसने सुल्तान महमूद के साथ गद्दारी की, जिसने भी बैरिस्टर सुल्तान के एहसान फरमोशी का मुजाहरा किया, और इस हल्के के लोगों ने इस उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं बहसीत कारकन, एक सियासी कारकन होने के नाते उनको इतना कहना चाहता हूं कि इस फारूक साहब ने, अमजद साहब ने बात की कि ये नोगो एरिया था, कोई नोगो एरिया नहीं था, लेकिन एक हवाले से था भी, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से बैरिस्टर सुल्तान साहब यहां को जलसा मीटिंग नहीं कर सके, तो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे चारागा तू जनवी दुखो सफेद दुश्मनों को खबर करो, मेरे चारागा तू जनवी दुखो सफेद दुश्मनों को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आ चुका दिया, वो कहते थे कि यहां एक मीटिंग करना मुश्किल है, तो मैं बैरिस्टर साहब आपको यकीन दिलाता हूं यूनी कौंसिल करेल के अंदर आप भी कहते थे, बड़े बड़े लीडर भी हमें कहते थे कि जब तक चौधरी मजीद साहब को करेल के अंदर कोई निकेल नहीं डालता, जब तक करेल के अंदर जब तक उनको भी हाथ नहीं रखता, तब तक चौधरी मजीद साहब को ये जो लीड यहां से लेते हैं कोई कवर नहीं कर सकता। मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते, इस यूनी कौंसिल का बेटा होने के नाते यकीन के साथ कहता हूं कि अब यह करेल जफर अनवर साहब का, सुल्तान महमूद का, पीटीआई का गढ़ बन चुकी है, और इंशाल्लाह ताला ये साबित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ जो स्टेज पर बैठे हुए हमारे लीडरान है कायदे कश्मीर। टाइम की किल्लत है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हम ये सुनते होते थे, क्योंकि मेरा तल्लुक जो है काबरा टाउन से, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, हम ये सुनते होते थे कि ये नो गो एरिया है। तो लास्ट टाइम रड़ा में मैंने अपनी तकरीर में ये बात की थी जफर साहब को, इस एरिए में तवज्जो दें। आज जफर साहब और आप लोगों ने ये साबित कर दिया है, मुझे ये लग रहा है कि अगले दिनों में चौधरी मजीद साहब भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, मुझे जो अंदाज़ा है। तो इसी पे मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो फारूक जरगर साहब हमारी इस पार्टी में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं अपने साथियों समेत, उनको खुश आमदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम की किल्लत की वजह से मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। कल बातिल इन नल बातिल कान अजहू का मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप अगर मेहरबानी करें तो छोटे कद के स्पीकर को ऑडियंस नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अगर आप बैठ जाएं या साइड पे हो जाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं सबसे पहले एक रवायत को तोड़ रहा हूँ, वो रवायत यह है कि स्टेज पर बैठे लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता, लेकिन आज मैं ऑडियंस से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि असल ताकत आप हैं, यह वजारत उज़्मा आपकी है, यह इस MLA की सीट आपकी है, आप ही हमारी ताकत है। अगर आप हमें यह इज्जत ना दें तो कोई इस इज्जत और इस मनसद पर नहीं बैठ सकता, इसलिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने पर और हमें वोट देने पर। उसके बाद मैं मौजूद मेहमान से शुरू करना चाहता हूँ, जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, लेकिन उससे पहले मैं उनके वालिद साहब चौधरी नूर हुसैन साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि वह बहादुर इंसान थे, अयूब खान के दौर में
जागीरदाराना सिस्टम के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले चौधरी नूर हुसैन साहब थे। फिर 1971 में जमहूरियत आई तो भुट्टो जैसे जाबर हुक्मरान के सामने सरदार इब्राहिम के आज खुर्शीद जो कि नजरियाती लीडर थे झुक गए, लेकिन चौधरी नूर हुसैन कभी झुका नहीं। और बैरिस्टर साहब उस बहादुर इंसान के बेटे हैं और उन्होंने बेनज़ीर के दौर में कश्मीर की पॉलिसी के लिए नारा बुलंद किया और कश्मीर कौंसिल में कोठी साहब को कामयाबी दिलवाई और बेनज़ीर के सामने वो डट गए। अभी चार मिनट में और लूँ, एक इसलिए नहीं मेहरबानी जरूर, ये जरूरी बात है, स्टार्ट करें, बिजली नहीं है तो लाइट नहीं होगी, कैसे करता हूं? मैं इसको थोड़ा और मुख्तसर करता हूँ कि सेक्रेटरी साहब सिर्फ सर पे खड़े हैं, नज़रिया पाकिस्तान पे जिए भुट्टो से लेकर मुर्दा नवाज शरीफ तक सब ने समझौता किया, लेकिन अल्लाह को हम पर रहम आया और इमरान खान जैसा लीडर हमको दिया जिसने यूनाइटेड नेशन में ये नारा बुलंद किया जो ये नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। और जिन लोगों को ये दहशतगर्द करार देते थे उनको उन दुश्मनों के सामने मजाज करार दिया, शहीद करार दिया, प्लीज। किसी में कोई जुर्म नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्श रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं कायदे कश्मीर साबिक वज़ीर आज़म सदर जमात तहरीक इंसाफ बिरुस्त सुल्तान महमूद चौधरी साहब और चौधरी ज़फ़र अनवर साहब को यूनियन कौंसिल के लिए आमद बार खुश आमदीद कहता हूँ। यूनियन कौंसिल कनेल में को मनी लड़काना कहने वाले आज देख सकते हैं कि यूनियन कौंसिल कनेल मिनी बनगाला बन चुकी है। आए रोज़ ज़फ़र अनवर साहब के काफिले में लोग शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह 25 तारीख को अलका की आवाम अपने वोट की ताकत से ये साबित कर देंगे अलका नंबर 2 के हकीकी नुमाइंदा चौधरी ज़फ़र अनवर है। आखिर में सदर यूनियन कौंसिल कनेल होने की असियत से मैं फारूक जरगर चेयरमैन जी, मास्टर रियाज, ठेकेदार महमूद, वसीम रियाज, अतीक रियाज और बाकी जितने दोस्त शामिल हुए हैं सबको तारीफ।